इंडस्ट्री में गार्गी पंडित यानी कि प्रियंका पंडित इन दिनों विवादों के घेरे में हैं। जी हाँ, अभी हाल ही में खेसारी लाल यादव के साथ जो उनका विवाद हुआ वो तो जग जाहिर है, और अब फिर से वो विवादों में है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि प्रियंका पंडित ने अब क्या कर दिया, गार्गी पंडित ने अब क्या कर दिया। तो आपको ये बता दे कि गार्गी पंडित ने इस बार वो किया है कि जिनके बंद मुंह थे वो खुल गए हैं। अब आपको दिखाते हैं ये पिक्चर, देखिए ये पिक्चर। अब हम उसके बाद बताते हैं आपको कि गार्गी पंडित को अब सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोल तो उन्हें खेसारी लाल यादव के टाइम भी किया गया था, जो काफी भद्दा था, जो काफी बेशर्मी की हद पार करने वाला था, कि किसी भी एक्ट्रेस के लिए असहनीय था, जिसके लिए प्रियंका पंडित ने पुरजोर विरोध किया और वो काबिले तारीफ भी था। इसमें प्रियंका पंडित की हिम्मत की तारीफ करनी पड़ेगी कि वो काफी साहसी महिला है। खैर, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर जो है हम आपको बताते हैं। ये विवाद कुछ इस तरह है कि गार्गी पंडित प्रदीप पांडे चिंटू के साथ आ रही है फिल्म दुल्हन चाहे पाकिस्तान 2 में। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बवाल क्या है। बवाल इसमें नहीं है, बवाल एक सीन पर खड़ा हो गया, और वो सीन ये है कि जिसे बताने में भी शर्म आ रही है। खैर, लेकिन ये जो ट्रोलिंग का जो सिस्टम चला है वो डायरेक्टली कहे या इनडायरेक्टली कहे, निरहुआ की तरफ से शुरू हुआ है। निरहुआ ने किसी विशाल सिंह और शायद वो समीर सिंह है, उनका जो उन्होंने इस सीन पे जो अपनी प्रतिक्रिया दी है उसको उन्होंने स्क्रीनशॉट लेकर अपने इंस्टा अकाउंट पर पोस्ट कर दी है, और इस पर निरहुआ ने एक शब्द नहीं कहा है, बस उसे पोस्ट किया है। यहाँ आपको बता दे कि भले ही निरहुआ ने इस पे एक शब्द न कहा हो, लेकिन इसे पोस्ट करने के बाद निरहुआ ने ये जता दिया है कि वो प्रियंका पंडित को लेकर क्या कहना चाहते हैं। खैर, वैसे भी भोजपुरी इंडस्ट्री में ये एक आम सीन है, क्योंकि इससे कहीं घटिया और कहीं गंदे सीन भोजपुरी फिल्मों में फिल्माए जा चुके हैं। लेकिन यहाँ बात दो मुंह वाली हो जाती है। अब भाई, फिल्म के जो डायरेक्टर हैं प्रदीप पांडे चिंटू के पप्पा यानी कि राजकुमार पांडे, जिन्होंने अश्लीलता के लिए खेसारी लाल यादव को जिम्मेदार ठहराया, अब वो जो भोजपुरी में अपनी हीरोइनों से ये सीन करवा रहे हैं, क्या ये अश्लीलता नहीं है? भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा दारोमदार अश्लीलता के लिए डायरेक्टर पे भी जाता है, क्योंकि डायरेक्टर अगर चाहे तो भोजपुरी की हर फिल्म साफ और सुथरी ही बने। लेकिन इसमें पर्टिकुलर किसी एक की तरफ उंगली उठाना वाजिब नहीं लगता। खैर, अपनी तरफ से हम गार्गी पंडित को बेस्ट ऑफ लक कहने वाले हैं, क्योंकि बेस्ट ऑफ लक उनके इस सीन के लिए नहीं, बल्कि आगे जो वो ट्रोल होंगी उसके लिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।